पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक बहुत ही निराले विलेन की, जिनकी अभिनय क्षमता ने साबित कर दिया था कि ये अपने जमाने के सबसे मशहूर विलेन में से एक रहे। नाम है जिनका मनमोहन। बड़े साहब ने कहा, आप नाम के पीछे क्यों पड़ा है? आपको नाम से मतलब है कि आपके दोस्त का जान बचाने से? मनमोहन साहब का जन्म हुआ 28 जनवरी सन 1933 में। जगह बताई गई जमशेदपुर। ये एक बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन बचपन से ही ये एक्टर बनना चाहते थे। इन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया और बहुत ही जल्द इनकी दोस्ती हो गई महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ, प्रोड्यूसर भप्पी सोनी और जीपी सिप्पी के साथ। जयकिशन साहब के साथ मनमोहन साहब की ऐसी दोस्ती हुई कि इन्हें केवल कश्यप साहब ने अपनी फिल्म शहीद में एक रोल दिया। एक छोटा सा बात है साहब, जो अपन आपको सब बोला है ना, वो छोटा सबको नहीं मालूम होना मांगता, वरना वो हमारा मर्डर कर देगा साहब। भप्पी सोनी साहब के जरिए इनकी मुलाकात हुई शक्ति सामंता से, प्रमोद चक्रवर्ती से और मनोज कुमार साहब से। धीरे धीरे इनके नकारात्मक किरदार बड़े मकबूल हुए। एनएनसीपी साहब की फिल्म गुमनाम को कौन भूल सकता है। 70 की दहाई में ये सबसे मशहूर एक्टर्स में से एक बने। जिंदगी में पहला बार ईमानदारी का बात किया साहब, पैसा नहीं मांगता है। ये बात भी मशहूर रही कि जब सुनील दत्त साहब अपने भाई को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे मन का मीत, तब मनमोहन साहब से ही कहा गया था कि आप इस फिल्म में विलेन बने, पर चूंकि उस वक्त इनके पास डेट्स नहीं थी तो मनमोहन साहब ने उस जमाने के नवोदित कलाकार विनोद खन्ना का नाम सुझाया और इस तरह से विनोद खन्ना का दाखला हुआ फिल्म इंडस्ट्री में। अरे आप फिक्र मत करो साहब, जब तक हम जिंदा हैं छोटे साहब का अंकों को हाथ नहीं लगा सकता साहब। मनमोहन साहब का गुस्सा बहुत तेज था, लेकिन ये बड़े दिलदार इंसान थे, अपने दोस्तों के प्रति बहुत ही मोहब्बत रखते थे। देर रात तक इनके घर में पार्टीज भी होती। ये कभी विदेश से वापस आते तो अपने परिवार के लिए बैग्स बाद में खोलते थे, पहले तोहफे अपने दोस्तों के लिए निकालते। इनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें ये बुरी तरह से झुलस गए। उधर का लुक बहुत डेंजर होता था। मुंबई के नजदीक एक इलाका है टिटवाला, वहाँ पे शूटिंग चल रही थी और एक आदमी ने पेट्रोमैक्स का लैंप जलाया। वो लैंप फट गया और मनमोहन साहब जो कि नजदीक ही लेटे हुए थे, उनके बदन में आग लग गई। तकरीबन 80% तक इनका शरीर जल गया। बड़ी कठिनाई के साथ इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। कई महीनों तक इनका इलाज हुआ और फिर ये फिल्मों में आए। अपन अपना आंख से देख ले सर, वो छोटा सा बच्चा नहीं किया। इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी इन्हें बड़ा गहरा धोखा दिया था, जिस वजह से मनमोहन साहब को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मार भी सहनी पड़ी थी। माफ कसम साहब, हम सच बोलता, अपन का आंख से देखे लाए। ये बात भी अपने आप में बड़ी अजब है कि मनमोहन साहब कभी काम मांगने नहीं जाया करते थे। मनोज कुमार साहब की फिल्मों में तो इनके लिए किरदार लिखे जाते थे। सभी प्रोड्यूसर्स मनमोहन साहब के साथ काम करके बेहद खुश रहते थे। लेकिन मनमोहन साहब को लगता था शायद उनका अंत नजदीक आ गया है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ये वापस अपनी जगह जमशेदपुर जाना चाहते थे। अपने परिवार को माली रूप से सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी और अपने बेटे का विवाह करवा दिया। इनके बेटे नितिन मनमोहन जो आगे जाकर बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर बने, जिन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करी बोल राधा बोल, लाडला, दीवानगी, वो उस वक्त बहुत छोटे थे, पर अचानक इन्होंने फिल्में साइन करना भी बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इनकी तबीयत में सुधार आ रहा है, लेकिन 26 अगस्त सन 1979 में मात्र 46 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ चल बसे। यकीनन बहुत ही कम उम्र में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वो छाप छोड़ी है जो मिटाए ना मिटेगी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मनमोहन साहब का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। थैंक यू सर। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History.